मैं सुशील मिश्रा सृष्टि होम से आज मैं आपके लिए 2BHK का फ्लैट वॉकिंग टू नवादा मेट्रो के आसपास लेके आया हूँ। मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले और इसके डिटेल शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, सृष्टि होम चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी फ्लैट को दिखाने के वक्त मैं उसके लिए वास्तु के कुछ टिप्स आपको देता रहता हूँ। वास्तु के पॉइंट में जो भी डिस्कशन है वो ऑन टेबल है, जो छोटी छोटी डिस्कशंस है वो मैं आपको बताता चलता हूँ कि आपका दरवाज़ा ऐसे हो, आपका किचन ऐसे हो, आपकी बाथरूम यहाँ हो, ये छोटी छोटी चीज़ें बता, लेकिन डीपली आपको डिस्कस करने के लिए मेरे टेबल पर आना पड़ेगा। तो मित्रों, इस यूनिट के बारे में बताऊँ तो ये वॉकिंग टू नवादा मेट्रो है। मैक्सिमम 300 मीटर की दूरी पर है। इसकी सबसे बड़ी गुडनेस है, दोनों तरफ से गाड़ियां आपकी निकल सकती हैं और पार्क हो सकती हैं इन पार्किंग में, क्योंकि बिकॉज दोनों तरफ चौड़ी चौड़ी रोड है, मतलब टू साइडेड ओपन प्लॉट है, इसलिए इसमें फ्रंट और बैक इक्वल है, दोनों ही बहुत अच्छा एरिया निकल के आ रहा है। और लिफ्ट विथ कार पार्किंग फ्लैट है, वॉकिंग टू नवादा मेट्रो है। अब आइए मैं इस फ्लैट की आपको ड्राइंग रूम्स और इसके सारे रूम्स और इसकी पार्किंग एरिया मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। हाँ मित्रों, ये देखिए मैं अभी फ्लैट के फ्रंट में खड़ा हूँ। यहाँ पे MCV बॉक्स लगी हुई है, प्रॉपर एरिया ब्लैंक है। इस साइड में हमारा दूसरा फ्लैट है, इस साइड में ये फ्लैट, दो फ्लैट इधर आ गए, दो फ्लैट हमारे उस साइड है। बीच में आप देखिए लिफ्ट का प्रोविजन है, ये पूरी लॉबी आपके लिए खाली पड़ी है। इस पर्टिकुलर एरिए को आप इस फ्लैट वाले को यूज़ करने के लिए होगा, सूरएक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप अपना, इस पर्टिकुलर एरिए को यूज़ कर सकते हैं सूरएक्स या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप डोर को देखिए, सनमाइका कितनी काफ़ी अच्छी ग्लोजी सनमाइका गोल्डन कलर में, प्लस उसमें जो ये रेज हमने दिए, जो सिल्वर की रेज लगाई है, बहुत अच्छा गेटअप निकल के आता है। अब आइए इस फ्लैट के अंदर मैं चल रहा हूँ। फ्लैट के अंदर देखिए गजब का लुक दिया है हमने। यहाँ पे हैंडल लॉक्स SS के हैं, अच्छी क्वालिटी के हैंडल लॉक्स हैं। अब आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। ये आपका लॉबी का एरिया जो ब्लैंक है, ऊपर देखिए यहाँ भी लॉबी में भी हमने यहाँ फॉल सीलिंग के साथ जो लाइट दी है इस पर्टिकुलर रूम में, वो गजब की सुंदरता बढ़ाता है। आप यहाँ देखिए प्रॉपर हमने यहाँ शोकेस की तरह से सजाया हुआ है इसको, जो बहुत अच्छा लुक आता है आपके ड्राइंग रूम का। अब आइए मैं ड्राइंग रूम में एंट्री कर रहा हूँ। ड्राइंग रूम को एंट्री करते ही आपने देखा होगा कि ये देखिए वॉलपेपर प्लस फॉल सीलिंग तो हर जगह होती है, हम सभी फ्लैटों में फॉल सीलिंग करते हैं, लेकिन फॉल सीलिंग के साथ क्या ऐसा डिज़ाइन, ऐसी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी ड्राइंग रूम में बहुत अच्छी सुंदरता बढ़ सके। आप देखिए ऊपर फॉल सीलिंग में जो हमने ये प्लास्टिक सीट्स लगाई हुई है, डिज़ाइनर सीट्स, जो बहुत अच्छा गेटअप आ रहा है, और वो डिज़ाइनर सीट्स आपको मैच करती है आपके वॉलपेपर के साथ। यहाँ जो हमने वॉलपेपर यूज़ किया है प्रॉपर L शेप का वॉलपेपर है। आप देखिए यहाँ पे L शेप का ये सोफा पड़ा है, 4 पर्सन के लिए सिटिंग है। यहाँ ये टेबल्स प्रॉपर एक अच्छा लुक दे रही है। एरिया की अगर बात करता हूँ तो एरिया आप देखिए आपके मेन डोर से आप, ये मैंने डोर बंद कर दिया, मेन डोर के साथ ही आप एरिया को देखिए, काफ़ी अच्छा एरिया निकल के आ रहा है, आराम से मूविंग एरिया है जो आपके ड्राइंग रूम को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ड्राइंग रूम में प्रॉपर स्पेस निकल के आ रहा है, आप देखिए प्रॉपर अच्छा एरिया निकल के आ रहा है। आप इस पर्टिकुलर जगह को भी हमने यूज़ किया, या देखिए प्रॉपर यहाँ लैंप लगा दिया। आप यहाँ पे कोई फ्लावर पॉट वगैरह यूज़ कर सकते हैं रखने के लिए, जो आपका बहुत अच्छा गेटअप। आप अपना यहाँ फ्रिज भी रख सकते हैं, पर्टिकुलर इस एरिया में फ्रिज भी रख सकते हैं, मतलब ओपन एरिया काफ़ी अच्छा निकल के आता है। आप इस ड्राइंग रूम के साथ आप देखिए यहाँ पर हमने प्रॉपर स्प्लिट AC की फिटिंग दी है। ये देखिए स्प्लिट AC की फिटिंग यहाँ पे दे रखी है, जो बहुत अच्छा गेटअप दे रहा है। फॉल सीलिंग में हमने ग्लास का भी वर्क दिया है, फॉल सीलिंग गेटअप के साथ प्रॉपर ग्लास लगाया हुआ है, फैन है, स्ट्रिप लाइट का प्रोविजन है। अब आइए मैं इसकी किचन में चलता हूँ, जो आप मेरे बैक में देख रहे हैं। किचन बहुत ही यूनिक किचन है, बहुत अच्छे गेटअप दे रही है, जो इसकी सबसे बड़ा फ्लेवर है ये आपका स्टोरेज है, एक बिग साइज स्टोरेज, जो घर की लेडीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रखता है, जो उसकी किचन की एक जान है, जो बहुत अच्छा गेटअप। आपका सारा गुड्स, सारी कैटेगरी, सारा सामान आपका यहाँ स्टोर हो जाता है, छोटे 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 डिब्बे आपके यहाँ स्टोर हो सकते हैं, ग्लास आपका कैटेगरी, सारी चीज़ें स्टोरेज है, जो बहुत अच्छा गेटअप देता है। आप देखिए यहाँ पे स्टोरेज के लिए तो नॉर्मली हम सभी किचन्स में देते हैं, लेकिन ये जो मटेरियल हमने दिया है ये अपने आप में यूनिक है, बहुत अच्छी चीज़ है, और काफ़ी अच्छा आपकी किचन हमेशा ओपन और खुली डुली नज़र आती है। यहाँ भी प्रॉपर स्टोरेज है, ये देखिए ये प्रॉपर यहाँ पे चिमनी लगा दी हमने। अब आते हैं किचन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वास्तु, क्या किचन का वास्तु सही है,
किचन के वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका ईस्ट है और वेस्ट पीछे है मेरे, तो ईस्ट फेसिंग की यहाँ पर आपकी गैस चूल्हा रहेगा जिसका पॉइंट हमने यहाँ दे रखा है ऑलरेडी। ये आपका सेपरेट जोन है, यहाँ पे खाली पड़ा रहेगा। ये आपका सिंक का प्रोविजन है, सिंक में देखिए प्रॉपर एसएस की टूटियाँ, बहुत अच्छी क्वालिटी की टूटियाँ लगाई हैं हमने। अब यहाँ पे गीजर आप प्रॉपर इंस्टॉल कर सकते हैं। चिमनी का पाइप आप देखिए ऑलरेडी आउटर निकाल रखा है। ऊपर फॉल सीलिंग का गेटअप, उसके अंदर लाइट्स का प्रोविजन, जो बहुत अच्छा गेटअप किचन को देता है। प्रॉपर एक अच्छी स्टोरेज है और ओपन एक 50 गज में जो किचन निकल के आती है वो एक बहुत ही यूनिक निकल के, क्योंकि रीजन क्या है ना, एक स्क्वायर जब प्लॉट मिलता है तो उसकी किचन बहुत अच्छी निकलती है। यहाँ पे सारे स्विच के साथ साथ आपको मैं दिखाऊं कि 32 एमपी का ये हमारा जो स्विच है ये पानी की मोटर्स के लिए है। आपको यहीं किचन में रहते रहते अपना समरसेबल, अपना एमसीडी वाटर्स के लिए स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए इसकी मैं कॉमन टॉयलेट दिखाता हूँ। जो कॉमन टॉयलेट जो हमारी ड्राइंग रूम के साथ अटैच है और जो बहुत ही अच्छा और यूनिक वर्क किया हुआ है हमने, और एक अच्छा एरिया निकल के आ सकता है। ये देखिए टाइल्स का प्रोविजन, हमेशा ऐसा लगेगा टाइल्स में पानी की बूंदें नजर आ रही हैं, क्योंकि जो टाइल्स की क्वालिटी है बहुत अच्छी क्वालिटी है। शावर देखिए बिग साइज शावर है, नॉर्मली हर जगह छोटे छोटे शावर थे, यहाँ हमने बिग साइज का शावर। किचन बाथरूम की हाइट जो है आपकी थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए आप प्रॉपर देखिए लाइट लगी हुई, उसके बावजूद भी पानी की डिस्टर्बेंस वहां तक नहीं पहुंचता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पे आप प्रॉपर सीटिंग है आपकी, ये देखिए यहाँ पर नॉर्मली हम उडवर्क का काम करते हैं, जो उडवर्क लगाने पर प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें पानी पड़ने के बाद उसको सड़न चालू हो जाती है, दीमक वगैरह लग जाता है। यहाँ पे एल्युमिनियम फ्रेम पे ये बहुत अच्छा वर्क है जो लाइफ टाइम टिकाऊ है। छोटी छोटी चीजें आप यहाँ अपना प्रॉपर स्टोर, ये आपका बाथ बेसिन बहुत ही यूनिक क्वालिटी का है। आप देखिए इसका जो फ्लेवर है वो तांबे का फ्लेवर है, जो बहुत अच्छा यूनिक क्वालिटी का है। ग्लास मिरर लगा दिया, यहाँ पे आपकी गीजर की फिटिंग हो जाएगी। ये वॉल्स पूरी ब्लैंक है, इस पॉइंट पे आपका गीजर, यहाँ पे हमने पावर पॉइंट दे दिया है, यहाँ पे आप गीजर लगा सकते हैं। जो एक बाथरूम में क्वालिटी होनी चाहिए कि बाथरूम बहुत अच्छी क्वालिटी का, आप डोर का देखिए, डोर में भी प्रॉपर हमने डिजाइन दी है, प्लेन डोर नहीं है। यहाँ भी हमने सनमाइका के ग्लोजी सनमाइका के साथ जो स्टील का फ्रेमवर्क बनाया है, बहुत अच्छी बहुत अच्छा क्वालिटी का है। अब आइए इसका बेडरूम में ले चलता हूँ, फिर मैं बालकनी का बेडरूम दिखाऊं। पहले मैं एक अंदर का बेडरूम दिखाता हूँ जो हमने यूनिक क्वालिटी का सजाया हुआ है, बहुत ही यूनिक क्वालिटी में सजा हुआ है। आपने देखा होगा मैंने स्टार्टअप यहीं से किया है इस फ्लैट का। ये एक वॉलपेपर जो आपको नाइट विजन में बहुत ही यूनिक अच्छा लगेगा, एक छोटी सी स्मॉल लाइट ब्लू कलर येलो कलर की आप लगा सकते हैं, जो इस वॉलपेपर में बहुत अच्छा गेटअप देगा। आप मैचिंग देखिए बेड की मैचिंग, जो हमारी 6x6 की बेड डालने के बाद वॉलपेपर, उसकी डिजाइन एक गजब की क्वालिटी निकाली हमने, गजब की क्वालिटी, जो इस फ्लैट के लिए, इस फ्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत अच्छा गेटअप देता है। अब आइए यदि हमारा बेडरूम होगा तो हमारे साथ बेडरूम के साथ अलमीरा भी चाहिए हमें, जो अलमीरा का प्रोविजन हमने देखी है, स्लाइडर टू लगा रखे, एक बिग साइज का आपको स्टोरेज मिल रहा है, और ये देखिए बिग साइज का स्टोरेज है, बहुत अच्छा स्टोरेज है, बहुत अच्छी क्वालिटी का वर्क किया हुआ है। यहाँ पे प्रॉपर स्पेस निकला है, क्योंकि हम ड्रोर खोलते हैं तो एरिया नहीं मिलता, इसलिए हमने यहाँ पे स्लाइडर डोर, लॉन्ग लाइफ है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, स्लाइडर कभी खराब नहीं होते हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं और प्रॉपर बिग साइज की अलमीरा निकल के आती है। अब बेडरूम में हमारी जरूरत क्या है, दूसरी चीज, ये पर्टिकुलर एरिया आपका ब्लैंक है, यहाँ पे आप अपनी कुछ भी पर्टिकुलर कोई टेबल्स या अपनी छोटी सी अलमारी या कुछ भी अच्छा आप रख सकते हैं, जो आपका एरिया ब्लैंक है। आपको मैं पैरेलल दिखाऊंगा, दूसरी साइड आप देखिए, ये एरिया भी ब्लैंक है आपके लिए, इस एरिया में भी हमने यहाँ टेबल रख रखा है, जो प्रॉपर आप कल को यहाँ पे कोई एलसीडी पैनल लगाना चाहें तो यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। आप यहाँ देखिए हमने स्प्लिट एसी की फिटिंग दे रखी है, चूंकि ये रूम अंदर साइड है, वेंटिलेशन के पॉट से यहाँ विंडो भी दे रखी, प्लस ग्लास, प्लस इसमें ग्रिल भी लगा हुआ है, और इसका फ्रेमवर्क है जो इसकी जान है, मतलब एक नॉर्मल प्लेन विंडो के साथ अगर फ्रेमवर्क में बना हुआ तो उसके एक अच्छा स्टैंडर्ड नजर आता था, स्टैंडर्ड नजर आता था। फॉल सीलिंग में जो डिजाइन है, फॉल सीलिंग की डिजाइन के जैसे मैंने ड्राइंग रूम में दिखाया था, सेम आप देखिए यहाँ भी सेम, बहुत अच्छा यूनिक क्वालिटी का वर्क है। फॉल सीलिंग तो हर जगह बनती है, लेकिन क्या फॉल सीलिंग को सजाया है आज तक किसी ने? तो मित्रों हमने यहाँ आपके लिए पैसा खर्च किया है, आप देखिए फॉल सीलिंग में हमने पैसा खर्च किया है, जो एक अच्छी क्वालिटी का ये डिजाइन है। आप अपने अकॉर्डिंग दूसरी डिजाइन भी सेलेक्ट करके हमें दे सकते हैं, जो हम यहाँ लगा देंगे आपके लिए,
और बहुत अच्छा गेटअप आ रहा है। आप देखिए एक छोटी ये वॉल जो है 9.5 फीट की वॉल में आप देखिए एक बरगद का पेड़, इसको हिंदी में बोलेंगे तो बरगद का पेड़ है, जो बहुत अच्छा यूनिक क्वालिटी है और ये बहुत अच्छा लगता है देखने में ही, आपको गेटअप बढ़ रहा है। ये रूम ही पूरा ग्रीनेज ग्रीनेज नजर आ रहा है आपका, बेड का कलर, वॉलपेपर का कलर, आपको ट्री का कलर, हर चीज बहुत अच्छा गेटअप है। अब आइए मैं आपको बालकनी के रूम में ले चलता हूं। जो बालकनी का रूम है ये यहां पे देखिए, ये मैं एंट्री कर रहा हूं बालकनी में। बालकनी के साथ आप यहां पे सेम चीज वॉलपेपर एक अच्छी क्वालिटी का 6x6 का बेड डालने के साथ ही प्रॉपर एक अच्छा एरिया निकल के आ रहा है, सेम डोर की क्वालिटी। अब आइए यहाँ पे LCD पैनल का प्रोविजन हमने इस रूम में दे रखा है, और ये एरिया पूरा देखिए आप, एक बिग साइज का रूम, एक कह सकते हैं कि क्या इतने पैसों में इतनी अच्छी चीजें बन सकती हैं। तो पैसों के पॉइंट्स में बाद में आता हूं, उससे पहले मैं दिखाता हूं क्या ये बेड की डायरेक्शन बेस्ट है। तो मित्रों ये बेड की डायरेक्शन बेस्ट है, बिकॉज ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, पीछे मेरे साउथ है, इधर आपका नॉर्थ है, ये एक बेस्ट डायरेक्शन है। आप यहाँ लेट कर आराम से बालकनी का एंजॉय करते हुए, आपका LCD पैनल लगा हुआ है प्रॉपर, इसमें एक अच्छी स्टोरेज दी है हमने। ये देखिए यहाँ पे TV इंस्टॉल है ऑलरेडी, यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऑलरेडी सेपरेट दिए गए हैं जो बहुत अच्छा गेटअप देता है। आप यहाँ देखिए ये प्रॉपर बालकनी है, जो बालकनी एक स्पेशियस बालकनी है, अराउंड 4 फीट के आसपास ये बालकनी है। इस एरिया को देखें, बहुत बड़ी बालकनी है। यहाँ पे आपका वॉशिंग जोन हमने बनाया है, बाद आपकी वॉशिंग मशीन सेपरेट एरिया है, ये आपके आउटर्स लगे हैं, AC की स्प्लिट AC की आउटर, चूँकि 2 स्प्लिट AC की फिटिंग हमने दी है, उनकी केबल ऑलरेडी यहाँ पर है। ये यहाँ पे आप एक इस वॉल पे हैंगिंग कर सकते हैं, एक उस वॉल पे हैंगिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए SS को वर्क है, जो बहुत अच्छा गेटअप निकल के आता है। मेरे बैग में देख रहे होंगे एक फार्म हाउस है जो खुला डुला है, और हमेशा लॉन्ग लाइफ ऐसा ही रहेगा, ये फार्म हाउस ऐसा ही रहेगा और ऐसी ही क्वालिटी आपको मिलेगी। तो पॉइंट ये है कि क्या ये आपके लिए कंफर्टेबल है। तो मित्रों मैं ये कहूँगा ये फ्लैट आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल फ्लैट है। अब आइए हम बैठ के बात करते हैं। तो अब आपका ये सोफा है एल शेप में, अब आपने ये फ्लैट को देख लिया, फ्लैट को देखते देखते आपके माइंड में आएगा क्या ये फ्लैट आपके बजट में है। तो मित्रों मैं ये कहूँगा जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो 40,000 45,000 या 50,000 सैलरी ले रहे हैं, ये उनकी पॉकेट का फ्लैट है। जो 35,000 ले रहे हैं उनके भी पॉकेट में आता है, लेकिन उनका कैश पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। फ्लोरिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत यूनिक क्वालिटी है, और प्राइस जो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये आपके बजट में चीज़ें आती हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की आती हैं। वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, मैं अभी एक लाइट इसकी सब ऑफ करता हूँ और आप देखिए इस रूम में क्या लाइट सनलाइट आ रही है। आप देखिए प्रॉपर सनलाइट आपको मिल रही है नहीं मिल रही है, ये मैंने बंद कर दिया, ये प्रॉपर देखिए किचन में सनलाइट आ रही है, बहुत अच्छी लाइट है। जो सबसे इम्पोर्टेंट रखता है क्या हमारे फ्लैट में सनलाइट का आना आ रही है या नहीं आ रही है। तो वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से सनलाइट प्रॉपर आ रही है, क्रॉस वेंटिलेशन है। एक नई चीज आपको बताता हूं, यदि हम फ्लैट ले रहे हैं, फ्लैट लेते वक्त यदि हमारे घर का क्रॉस वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब हवा जिस साइड से आ रही है और दूसरी साइड से निकल रही है, तो उस घर में कभी भी बीमारियां नहीं आती हैं या कम से कम आती हैं, क्योंकि वेंटिलेशन ही सबसे ज्यादा, हवा का आना और जाना प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फ्लैट ऐसे होते हैं जो वन साइडेड होते हैं, जिनमें बालकनी नहीं होती है, तो वहाँ क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता है। तो मित्रों वो फ्लैट ऐसा नहीं कि खराब है, लेकिन वहाँ थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मित्रों मैं ऐसा कहूँगा, ये आपकी कीमत, आपकी सोच के अकॉर्डिंग वॉकिंग टू नोवादा मेट्रो का सबसे अच्छा फ्लैट है। और मेरे पास अगर यूनिट की बात करूँ तो बहुत कम फ्लैट बाकी हैं, इसमें से मैं 5 फ्लैट बेच चुका हूं, नंबर ऑफ 16 फ्लैट हैं, 16 फ्लैटों में 5 फ्लैट बेच चुका हूं, मात्र 11 फ्लैट रह गए हैं। इसलिए हरी अप, इसको डिले मत करें, और नवरात्रि का टाइम चल रहा है, फ्लैट पे स्पेशल ऑफर्स गिफ्ट वगैरह चल रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप जितना जल्दी आए और अपना फ्लैट बुक कराएं, क्योंकि फ्लैट रेडी है, विद इन अ मंथ डिलीवरी हम दे रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम, हरी अप,
और जल्दी से जल्दी, लेकिन इन सब चीज़ों में, इन सब बातों को सुनते सुनते आप सृष्टि ओम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सृष्टि ओम को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।